नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी डॉट इन की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए विषय अनुसार एक सीरीज लेकर आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट की, जिसमें हम सबसे पहले जो हम सीरीज लेके आए हैं आपके लिए वो लेके आए हम पॉलिटी सब्जेक्ट की, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था विषय की हम आपके लिए पूरी एक सीरीज लेकर आए हैं। अब देखिए, इस सीरीज में हम आपको पूरा बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि आपका 1773 का जो एक्ट था, 1773 के एक्ट से लेकर 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हुआ, इस पूरे एक्ट की हम बात करेंगे। इसके बीच जितने भी टॉपिक आपके हैं हम सारे टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई विद्यार्थी ऐसा है, कोई दोस्त ऐसा है जो पॉलिटी विषय को पहली बार पढ़ रहा है, तो उसे भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सिलेबस का एक सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम चलेंगे। बहुत आसान भाषा में सरल तरीके से हम चीजों को आपको समझाते हुए चलेंगे। मेन हमारा टारगेट रहेगा आपका यूपीएससी के एग्जाम और स्टेट पीसीएस के एग्जाम। इन एग्जामों के सब्जेक्ट को, सिलेबस को देखते हुए चलेंगे, जिसके तहत आपके अदर एग्जाम, अदर परीक्षाएं भी आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाएंगी। और परीक्षा में आने वाले पॉलिटी सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, पूरी भरसक कोशिश हमारी रहेगी। आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे जैसे हम अपने टॉपिक इसमें डालते रहें, क्रमवार हम इसका अध्ययन करते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्या करें, हमारे वीडियो को देखकर पूर्ण रूप से क्या कर लें, पॉलिटी सब्जेक्ट का अध्ययन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, कि हमने किस प्रकार से हम आगे पॉलिटी की सीरीज को चलाएंगे और क्या क्या चीजें हम अपने सिलेबस में, अपनी सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब इसमें शुरुआत कहां से की जाएगी, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका क्या, भारत के संविधान का विकास। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का विकास हम देखेंगे। देखिए, इसको दो भागों में हमने बांटा है। पहला भाग कहता है भैया 1773 से 1853 तक का, और दूसरे भाग की हम बात करें तो 1858 से 1935 तक का। अब ऐसा क्यों, देखिए हमने इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उठाई है। यहां पर देखिए क्या है, 1773 से पहले भी काफी एक्ट आए। अब बच्चों के मन में यह सवाल उठता है कि सर 1773 से पहले भी काफी एक्ट आए थे, तो हम 1773 से पहले के एक्ट को क्यों हम इसमें अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, 1773 के बाद के एक्टों को हम लेकर चलेंगे इसमें, ना कि उससे पहले के एक्टों को। उससे पहले के एक्ट हम आपको कहां देंगे, अपने हिस्ट्री की सीरीज में देंगे। इसका रीजन यह है कि 1773 के जो एक्ट आए हैं उसके बाद जितने एक्ट आए हैं उसका हमारे संविधान के ऊपर, जो हमारा संविधान है वर्तमान का, हमारे भारत के संविधान में इन एक्टों का प्रभाव देखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम 1773 के बाद के एक्टों को पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम इन एक्टों को राजनीति यानी कि आपका राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की दृष्टि से पढ़ेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन कवर होंगे पॉलिटी के सब्जेक्ट के। अब देखिए, दो भागों हमने इसको बांटा। हम बात करते हैं 1773 से 1853 के एक्ट की। तो ऐसा क्यों, देखिए 1773 से 1853 तक भारत में कौन शासन कर रहा था, कंपनी शासन कर रही थी, जिसको आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, फिर 1857 का युद्ध हुआ। 1857 के युद्ध के बाद जो ब्रिटेन की रानी थी, जो ब्रिटेन का क्राउन था, उन्होंने क्या करा, भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके बाद क्या हुआ, भारत में कंपनी का शासन हुआ। इसलिए हमने दूसरे भाग में आपको 1858 से 1935 तक का एक्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए 1935 का जो एक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में जो सबसे ज्यादा विषय वस्तु लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, 1935 के एक्ट से लिए गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद। यहां से कभी इक्के दुक्के क्वेश्चन उठते हैं कुछ एक्टों से, लेकिन कुछ इस एक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं इन एक्टों को पढ़ाते जाऊंगा तो मैं आपको इनकी महत्वपूर्णता यानी कि इनकी इंपोर्टेंस बताते हुए चलूंगा कि कौन सा एक्ट एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण और इसके कार्य, यानी कि जब संविधान का गठन हुआ तो उसके लिए क्या कराया गया, एक संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, किस प्रकार संविधान सभा बनी, कैसे इनका चयन किया गया, कितने से मेंबर थे, क्या क्या समितियां बनी और किस प्रकार से इन्होंने संविधान का गठन किया, ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे संविधान सभा का निर्माण और उसके कार्यों में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हम पढ़ेंगे संविधान सभा के प्रमुख
स्रोत यानी कि मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्यों, देखिए हमारा जब संविधान बना तो हमें भारतवर्ष को जल्द एक संविधान की आवश्यकता थी, तो हमने क्या करा, हमने कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ विषय वस्तु क्या करे अदर संविधान से अदर देश से अदर जगह से हमने लिए, तो उन सबका अध्ययन करते हुए चलेंगे हम कहां पर किस टॉपिक में, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बात करेंगे प्रस्तावना की प्रीम्बल की, यानी कि भारत की जो संविधान है उसके विषय में उसका एक रूपरेखा जो तैयार की गई प्रस्तावना उसके विषय में पढ़ेंगे। काफी क्वेश्चन प्रस्तावना से उठते हैं, काफी अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, और प्रस्तावना में संशोधन जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में अगर संशोधन हुआ है तो कब हुआ है और किस प्रकार का संशोधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर आपका अनुसूचियां पढ़ेंगे जिसको आप शेड्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 हुआ करती थी, सारा अध्ययन करेंगे किस प्रकार की अनुसूची कब जोड़ी गई और किस अनुसूची में क्या हमें देखने को मिलता है। अनुसूची हमारी हो गई, संविधान का विकास हो गया, निर्माण हो गया, प्रस्तावना होगी। इसके बाद हम चलेंगे आपका किसकी ओर, संविधान के भागों की ओर। तो पहला हम पढ़ेंगे आपका भाग एक में संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब देखिए भाग एक अनुच्छेद 1-4, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, संघ के विषय में पढ़ेंगे तथा जो उसके राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक चीज और देखते हुए चलेंगे, भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में, यहां हम देखेंगे किस प्रकार भारतीय राज्यों का गठन हुआ, काफी बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम भाग दो, बात करेंगे नागरिकता की, ठीक है, सिटीजनशिप की। देखिए आर्टिकल 5-11 किस प्रकार भारत देश में नागरिकता दी जाती है, किस प्रकार नागरिकता ली जाती है, सारा का सारा आपका निचोड़ कहां मिलेगा हमको, भाग दो नागरिकता में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण काफी इंपोर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान अधिनियम 1955। ठीक है दोस्तों, यही वो अधिनियम है जिसके थ्रू क्या होता है, काफी रूल बनाए गए हैं भारत में नागरिकता देने के लिए। आजकल आपने एनआरसी के बारे में सुना होगा, सीएए के बारे में सुना होगा, तो हम क्या करेंगे इस जो करंट का टॉपिक है इसको भी जोड़ते हुए चलेंगे यहीं पर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितना भी करंट में चल रहा है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस सिलेबस के साथ करंट का जो हमारा टॉपिक है वो भी हम क्या करें कवर आपका करते रहे, साथ में कोरिलेट करते रहे। नेक्स्ट हम चलेंगे भाग 3 की ओर, जो कहता है, जो किसकी बात करता है, मूल अधिकार की, यानी कि जिसको आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम आर्टिकल देखेंगे आपका कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे यहां पर समता यानी कि समानता के अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार की, और लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार रिटो के माध्यम से। इसके बाद मैं आपको इसी सब्जेक्ट में इसी मूल अधिकार के अंदर मैं आपको रिटे भी पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटे जारी करता है, हाईकोर्ट भी 5 प्रकार की रिटे जारी करता है, वो रिटे क्या होती है, किस प्रकार से जारी की जाती है, ये भी हम इसमें देखते हुए चलेंगे। देखिए मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या है, देखिए एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या होना है, अपने देश में आपके संविधान ने आपको क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपका देखिए परीक्षा की दृष्टि से तो आप इसमें सफल होंगे ही होंगे इसको पढ़ के, साथ साथ आपके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास भी होगा जो आपको क्या करेगा, आपके अधिकारों से अवगत कराएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए फिर हम बात करेंगे भाग 4 की, जो क्या कहता है, वो कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DPSP। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आर्टिकल आपका देखने को मिलेगा आर्टिकल आपका 36-51 तक। ठीक है दोस्तों, यहां हम बात करेंगे डीपीएसपी की। डीपीएसपी है क्या, मोटा मोटा आपको बताऊं तो देखिए राज्य जब कोई पॉलिसी बनाता है, जब कोई कानून बनाता है, तो राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अपना कोई कानून बनाते समय, जनता के लिए कोई भी पॉलिसी बनाते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें किसके अंदर दी गई है, डीपीएसपी के अंदर दी गई है। आगे चलेंगे हम फिर बात करेंगे आपका भाग 4A, यहां पर एक
नोट करने वाली चीजें देखिए, मैंने यहां पर बोला भाग 4A। तो दोस्तों जहां पर भी आपको जैसे चार उपचार देखा आपने, नीचे 4A देखा, जहां पर भी आपको ए बी टाइप की चीजें दिखे, जहां पर भी भाग 4A लिखा हो आपका या बी लिखा हो, तो यहां पर आप समझ जाइए कि जहां पर ए बी लिखा है इसका मतलब क्या है, संविधान में संशोधन किया गया है। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों जगह आपको देखिए भाग चार देखने को मिल रहा है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में आपको भाग 4A देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यह संविधान में संशोधन है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में हम बात करेंगे आपका किसकी, मूल कर्तव्य की, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की। हमारे संविधान में देखिए जब भी किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं तो उन अधिकारों के साथ साथ उसके ऊपर कुछ कर्तव्यों का बोझ भी देखने को मिलता है। जब भी कोई अधिकार आते हैं वो अधिकार अपने साथ कुछ कर्तव्य भी लेकर आते हैं। तो जिस प्रकार संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए तो वो अधिकार क्या लेके आए, कुछ कर्तव्य भी लेकर आए। अगर आप संविधान से अधिकार ले रहे हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी डिसाइड किए जाएंगे। तो वो सारे कर्तव्य हम कहां पढ़ेंगे, भाग 4A में आर्टिकल 51A, क्योंकि जो ये क्या है, संविधान संशोधन है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में किया गया था। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कहां पर, आपका भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य में, सॉरी मूल, हाँ सॉरी मौलिक कर्तव्य में। दोस्तों अब देखिए इसके बाद जो सिलेबस है आपका, यहां तक जो मैंने सिलेबस आपको बताया काफी इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद का जो सिलेबस है, अगर मैं उसका पूरा एकदम गहन अध्ययन करते हुए चलूं तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, आप कहीं इसको लिख लीजिए, ताकि जब मैं आपको ये पूरी सीरीज दूं, क्रमवार में आपको अध्ययन कराऊं, तो आपको पता हो कि हमारा सिलेबस चल गया रहा है। अब आगे का जो सिलेबस है, एक सरसरी नजर से देखते हुए चलते हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। हमने देखिए सिलेबस को बिल्कुल इस प्रकार से बांटा है कि आपको एकदम सिंप्लीफिकेशन मिले, सरलता के साथ आप आसानी से सिलेबस को समझ सके। इसके बाद हम करेंगे केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपका राष्ट्रपति के विषय पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कैसे होता है, महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट यानी इसको हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां और क्या क्या कर्तव्य है, जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में भी हम देखेंगे यहां पर राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हम देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में। नेक्स्ट हम देखेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सेम उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसका कैसे उसको हटाया जाएगा, क्या क्या उसकी शक्तियां होंगी और क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे। इसके आगे चलिए हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, सेम निर्वाचन किस प्रकार, क्या क्या उनकी प्रक्रिया होगी, क्या शक्तियां होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और एक टॉपिक हम यहां पर और देखेंगे, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के विषय में, कैसे निर्वाचन हुआ, कैसे उसका चयन हुआ, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। केंद्र में हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, अब काफी बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि भारतीय संसद है क्या, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको चीज बताता हूं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जब तीनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, भारत की संसद कहलाती है। इनमें से अगर एक को भी हम हटा दें तो ये संसद नहीं कहलाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, आपका संसद कहलाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया तीनों मिलकर संसद बनाती है, तो हम क्या पढ़ेंगे संसद के अंदर, हम संसद के अंदर पढ़ेंगे संसद के अध्यक्षों के विषय में पढ़ेंगे, संसद के विषय में पढ़ेंगे जिसमें हम लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, इसके अध्यक्ष पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपके इसके सेशन चलते हैं यानी कि सत्र चलते हैं संसद के हम देखेंगे, संसद की कार्यप्रणाली क्या होती है, संसदीय कार्यप्रणाली वो भी हम देखते हुए चलेंगे, विधायी प्रक्रिया, संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार होता है, कौन इसको बुलाता है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है, संसद में बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और इसके साथ संसदीय समितियां, यहां से काफी अच्छा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बार बार उठते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ये तीनों समितियां काफी महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम के लिए। ये सारा अध्ययन हम करेंगे कहां पर, आपका भारतीय संसद के अंदर। आगे चलिए देखिए, एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे, केंद्र तथा राज्य में संबंध। ठीक है दोस्तों, यानी कि संघ जो हमारा सेंटर है और जो हमारा स्टेट है इनके बीच क्या क्या संबंध है वो हम यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये हमने बात करी केंद्र सरकार की, अब हम बात करेंगे किसकी, राज्य सरकार की। राज्य सरकार के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, सेम देखिए दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है
उसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष है, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष है, उसी प्रकार राज्य में भी आपको कुछ पद देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने वहां राष्ट्रपति बोला, वैसे यहाँ क्या देखेंगे हम, राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्ति और किस प्रकार से इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विधानमंडल के विषय में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, राज्य की विधान परिषद, राज्य का विधानसभा, राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी और आपकी इनकी विधायी प्रक्रिया। यानी कि मोटे मोटे हिसाब से बताऊं तो विधानमंडल आपका किस किस से मिलकर बना, राज्यपाल प्लस विधान सभा प्लस विधान परिषद। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर आपका संसद बनाते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनाता है, विधान मंडल बनाता है। तो इनके विषय में सारा अध्ययन हम यहां पर करते हुए चलेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, हम किसके विषय में देखेंगे, आगे हम फिर देखेंगे न्यायालय के विषय में। जैसे हमने विधायिका और कार्यपालिका के विषय में देखा, उसी प्रकार हम किसके विषय में देखेंगे, न्यायालय के विषय में देखेंगे। बहुत अच्छा एक टॉपिक है संविधान का, पॉलिटी का, जहां से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे न्यायालय के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय के अंदर हम देखेंगे यहां पर क्या, उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, जो जज होते हैं इसके, उनकी योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, उनकी पेंशन और भत्ते के विषय में। इसके बाद हम फिर आपका क्या देखेंगे, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो इसके न्यायाधीश होते हैं उनको अगर उनके पद से हटाना होता है तो किस प्रकार से हटाया जाता है। आगे चलिए देखिए, हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो कहां तक सीमित है और कहां कहां तक वो किस किस कार्य में अपने हस्तक्षेप कर सकता है। लास्ट वाला जो उसका पॉइंट है, देखिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, जहां से एग्जाम की में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या क्या हैं और क्या क्या उसके क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि कुछ उसको अधिकार दिए गए हैं, प्राथमिक अधिकार और आपका परामर्शदार के अधिकार, न्यायिक प्रोवालोकन की शक्ति। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे कि इसमें आपका उच्चतम न्यायालय में की शक्तियों के और क्षेत्राधिकार के अंदर। इसके बाद देखिए आगे चलकर, जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा, उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे टॉपिक वो ही हैं जो सारे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखे थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर हम चलेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने के बाद जिला व अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं हम उसकी बात करेंगे। कभी कभी यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका क्या लोक अदालतें, बहुत अच्छा ये टॉपिक है एग्जाम के लिए भी, काफी क्वेश्चन यहां से निकल कर आते हैं। देखिए क्या होता है, लोक अदालतों से क्वेश्चन अगर भले ही कम निकल कर आए, लेकिन क्या करते हैं ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें कि जो आपको एक अच्छे नंबर दिलाने में काफी मदद करती है। तो लोक अदालतों के विषय में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में और कुछ ट्रिब्यूनल जिसका न्यायालय से संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब हम पढ़ेंगे न्यायालय यानी कि कोर्ट के अंतर्गत जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हमने सेंटर पढ़ा, हमने स्टेट पढ़ा, अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएंगी लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारों के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा पॉइंट है, आपका विषय वस्तु है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज में पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायती राज से संबंधित है, इससे संबंधित कुछ अनुसूचियां भी है, सारा अध्ययन हम यहां पर लिंक करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार हमने पंचायती राज के विषय में बोला, वैसे शहरों में क्या देखने को मिलता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें देखने को मिलती है। तो यहां पर फिर हम किसका अध्ययन करेंगे, नगर निगम का, नगर पालिका वगैरह का। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायत और नगर निगमों के लिए योजना समिति, कुछ योजनाएं समिति बनी थी किनके लिए, नगर पंचायत और नगर निगमों के लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। अब देखिए हमने केंद्र पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, लोकल गवर्नमेंट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आपका संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए दोस्तों संवैधानिक निकाय मतलब क्या, जिनका वर्णन हमारे संविधान के अंदर पहले से किया गया है, हमारा संविधान के अंदर जिनके वर्णन मिलता है, जिनके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं, उसको हम कहते हैं संवैधानिक निकाय, जिसका वर्णन हमारे संविधान में है। अब इन संविधान निकाय में हम किस किस को पढ़ेंगे, वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो आपका एग्जाम कराता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप कैग कहते हैं, भारत का न्यायवादी जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं,
राज्य का महाधिवक्ता जिसको आप एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं, और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, ये सारे के सारे जितनी भी बॉडीज हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको हम पूरा अध्ययन करते हुए चलेंगे। किस टॉपिक के अंदर? संवैधानिक निकाय के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब मैंने बोला भी आपको संवैधानिक निकाय जिसके विषय में संविधान में वर्णन किया गया हो, अब हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि ऐसे निकाय, ऐसी बॉडीज जिसका वर्णन हमें संविधान के अंदर नहीं देखने को मिलता है, परंतु कानूनी रूप से इनको बनाया गया है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है, डेली आप सुनते होंगे नीति आयोग के विषय में। पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग की समाप्ति कर एक नया आयोग बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, नीति आयोग। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय के अंदर। इसके बाद कुछ अदर टॉपिक हम देखेंगे, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में पढ़ेंगे, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे, दल बदल विरोधी कानून के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव सुधार के विषय में हम यहां पर देखेंगे। तो ये क्या था आपका एक सरसरी नजर में हमने सिलेबस के आपको बताया है, कुछ चीजें और हैं इसमें जो हम इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे आपका एक एक विषय वस्तु इसमें और है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन भी हम देखते हुए चलेंगे, और पूरी रूप से हम यहां पर क्या करेंगे, पॉलिटी के सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। कुछ टॉपिक अगर हमारे इस सिलेबस में रह जाते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, आपके इसमें और जोड़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ना छूटे और आपको क्या मिले, बढ़िया तरीके से एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। बस आपको इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हम क्या करेंगे, पूरी एक सीरीज देंगे, जिसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। किस विषय के लिए? पॉलिटी के विषय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पॉलिटी के बाद हम आपको पूरे सब्जेक्ट की सीरीज देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी नया बच्चा है या जो पहले पढ़ चुका है पॉलिटी को, आप एक बार इसको देखिए, बहुत सरल तरीके से हम आपके लिए पूरा सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, ताकि क्या रहे आपका पॉलिटी सब्जेक्ट में आपकी क्या हो, पकड़ एक मजबूत हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्या करेंगे इसका आपको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जब लेके आएंगे। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।